दिल्ली कैपिटल्स इस बार वो दिल्ली कैपिटल्स नहीं रहेगी जो हमने पिछले साल देखा था। क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत गायब है। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था, आपको पता है, इस वजह से ऋषभ पंत आपको इस साल के आईपीएल साल 2023 में नजर नहीं आएंगे। हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पाटे। दिल्ली कैपिटल्स इस बार क्या कुछ नया परोसने वाली है टेबल में? दिल्ली कैपिटल्स हमेशा चौक कर जाती है, बहुत लोग दिल्ली कैपिटल्स के बारे में अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, लेकिन इस वीडियो में जानेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, कहां दिल्ली कैपिटल्स एकदम बलवान नजर आती है और कहां दिल्ली कैपिटल्स एकदम चूहे की तरह नजर आती है, क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ खामियां हैं, क्या कुछ खूबियां हैं, सारी चीजों के आंसर आपको इस वीडियो के एंड होते होते तक पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले स्ट्रेंथ से, क्या ताकत है दिल्ली कैपिटल्स की? तो दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी की सबसे बड़ी ताकत उनकी ओपनिंग जोड़ी है, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की धमाकेदार जोड़ी है। पृथ्वी शॉ का पिछला सीजन हालांकि इतना खास नहीं रहा, लेकिन डेविड वार्नर के बल्ले से काफी ज्यादा पिछली बार रन निकले थे। पृथ्वी शॉ की बात करें तो 150 के स्ट्राइक रेट से यह प्लेयर खेलता है, घरेलू में इतना अच्छा करके आ रहा है, भले ही टीम इंडिया में उतने मौके नहीं मिलते बट आईपीएल में अपना लोहा जरूर मनवाता है। उसके बाद थोड़ा नीचे आके रोमन पवेल मिडिल ऑर्डर को एक कमाल की ताकत देते हैं। रोमन पवेल बल्ले से उनका हमें शो देखने को मिलता है, पावर पैक परफॉर्मर है बेसिकली रोमन पवेल। उसके बाद देखिए मिडिल ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं तो सरफराज खान की बात भी कर लेते हैं। सरफराज खान विकेटों के पीछे भी आपको जो है अच्छी खासी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर के बहुत ही ज़्यादा एक अहम बल्लेबाज हैं सरफराज खान। हमने देखा है उनको कि घरेलू में इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं सरफराज खान, तो एक बहुत मजबूती प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए अक्षर पटेल की अगर हम बात करें, वो भी एक मजबूती है टीम के लिए, जिस तरीके से इंटरनेशनल में उनका फॉर्म चल रहा है। अक्षर पटेल का भी हमने देखा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, अक्षर पटेल के बल्ले से बहुत रन निकले थे, हालांकि बॉलिंग से उतना कमाल नहीं कर पाते बट बल्ले में बहुत धार है अक्षर पटेल के भी, बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं बट बल्ले से ज्यादा प्रदर्शन करा है उन्होंने। साथ ही साथ थोड़ा सा अगर आगे चले तो भी इनके पास यंग टैलेंट की कमी नहीं है, चेतन सकारिया ले लीजिए, कमलेश नागरकोटी ले लीजिए, यंग टैलेंट से भरा हुआ है। चेतन सकारिया का आपको वो गोकू स्टाइल वाला सेलिब्रेशन भी याद होगा, तो यंग टैलेंट भी भरा पड़ा है इस दिल्ली कैपिटल्स के पास। साथ ही साथ कुलदीप यादव का फॉर्म देखिए, गजब का फॉर्म चल रहा है कुलदीप यादव का। पिछला साल कुलदीप यादव जो है हमेशा याद रखना चाहेंगे क्योंकि बहुत शानदार परफॉर्म किया था कुलदीप यादव ने, अभी भी इंटरनेशनली काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं कुलदीप यादव। तो ये कुछ स्ट्रेंथ है दिल्ली कैपिटल्स की। अब आपको वीकनेस की बताते हैं, वीकनेस हालांकि इतनी कुछ है नहीं दिल्ली की, दो तीन ही वीकनेस है, तो वो क्या वीकनेस है वो भी बताए थे। तो देखिए सबसे बड़ी जो वीकनेस है या सबसे बड़ी दुविधा जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए होगी वो ये होगी कि ऋषभ पंत का ना होना। ऋषभ पंत ना सिर्फ कप्तान थे बल्कि मिडिल ऑर्डर में भी एक अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे, आक्रामकता के साथ खेलते थे, तो ऋषभ पंत का ना होना बड़ा ड्रॉबैक है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। साथ ही साथ हमेशा आपने देखा होगा दिल्ली कैपिटल्स बड़े मुकाबलों में चौक कर जाती है, पिछले साल भी हमने देखा था दिल्ली कैपिटल्स अपना जो एक मुकाम होता है वो हासिल नहीं कर पाती, अपनी जगह प्लेऑफ्स में नहीं बना पाती, बड़े मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से फेल हो जाती है। तो ये कुछ कमियां हैं जो दिल्ली कैपिटल्स को इस बार ध्यान रखनी होगी। फिलहाल आपको जाते जाते अब दिल्ली का स्क्वाड भी बता देते हैं। देखिए दिल्ली में फिल सॉल्ट, यश धूल, सरफराज खान, रिपल पटेल, रोमन पवेल, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, राइली रूजो, मनीष पांडे, ललित यादव, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, खलील अहमद, अमन हकीम खान, प्रवीण दुबे, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, कमलेश नागरकोटी, लुंगी एंगिली, एनरिक नौरकिया, विकी ओस्तवाल, चेतन सकारिया, मुकेश कुमार और ईशांत शर्मा। तो ये देखा आपने दिल्ली का स्क्वाड, अब आप अपने हिसाब से बताइए कितना मिस करेंगे सबसे पहले ऋषभ पंत को, साथ ही साथ क्या लग रहा है इस बार क्या दिल्ली कैपिटल साल 2023 का आईपीएल का खिताब जिता पाएगी या नहीं जिता पाएगी।